इन्हीं वजहों से आज हम ये मांग कर रहे हैं इस महाअभियान के द्वारा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। हम भले ही गरीब हैं, अदना है, हमारे पास आपकी तरह सरकारी मशीनरी नहीं है, आपकी तरह मीडिया नहीं है हमारे कदमों में, आपकी तरह पैसे नहीं है हमारे पास। हम भले ही गरीब हैं, अदना हो, पर आप ये बात याद रखें मोदी जी कि गरीब वो होता है जो कोशिश करता है कि मेहनत से अपने परिवार का पेट पाल सके। पर अगर आप इतना जुल्म करेंगे कि वो अपने परिवार का पेट भी ना पाल सके, तो ये याद रखिए कि वो दिल्ली में आपके तख्ता पलट में देरी नहीं लगाएगा। घमंड तो मोदी जी रावण का भी नहीं रहा था, तो आप तो एक आम इंसान है हमारी तरह, भले ही आज आप प्रधानमंत्री के पद पर हो, पर भले ये याद रखना चाहिए कि रावण ने भी कहा था, एको हम द्वितीय नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, मैं ही हूं, मेरे अलावे कोई था नहीं, मेरे अलावे कोई होगा भी नहीं। तो मोदी जी, घमंड पे रावण का भी नहीं रहा, फिर आपका क्या रहेगा? और इसके प्रमाण आपको लगातार मिलते जा रहे हैं। जनता आपको लगातार संदेश दे रही है, चाहे वो गोरखपुर के चुनावों में हो, फूलपुर के चुनावों में हो, जोकीहाट बिहार के चुनावों में हो, और चाहे वो वहां कर्नाटका में हो, आपको जनता रोज बार बार ये संदेश दे रही है कि संभल जाइए मोदी जी, अभी भी समय है, संभल जाइए, कि जो अब ना संभले तो ना दिल्ली में आपकी सरकार बचेगी, ना बिहार में इन परशुराम नीतीश जी की सरकार बचेगी। 2020 में आपका भी वही हाल होगा जो सन 2004 में वाजपेयी जी का हुआ था। इंडिया शाइनिंग के मुद्दे को लेकर हम इस मांग को पूरे जोर से पुरजोर तरीके से रखते हैं। अपनी पार्टी के द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसके उपाध्यक्ष होने के द्वारा इस मांग को हम पूरे पुरजोर तरीके से रखते हैं कि केंद्र सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना ही होगा। और जब तक आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते हैं, हम उसके लिए लड़ाई जारी रखेंगे। जब तक हमारे तन में अंतिम सांस है, हमारे शरीर में खून की अंतिम बूंद है, हम अपने भाइयों और बहनों के लिए शाह तारिक अनवर के नेतृत्व में लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, ये हमारी कसम है। और मैं चाहता हूं कि यह आवाज केंद्र सरकार तक दिल्ली में और राज्य सरकार तक पटना में पहुंचे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा आप नहीं देते हो, अगर आप हमारे किसान का, बिहार के किसानों का ऋण माफ नहीं करते हो, और अगर सीमांचल के किसानों को बाढ़ की क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है, तो आज 5 जून 2018 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपको चेतावनी देती है कि मोदी जी 2019 में आपकी सरकार नहीं आएगी दोबारे, और नीतीश जी आपकी सरकार 2020 में नहीं आएगी दोबारे। ये आप लिख के रख ले महाशय, आप लोगों की भ्रष्ट दुराचारी सरकार नहीं आएगी। एक संदेश मैं मोदी जी को भी देना चाहूंगा, खास करके इस